नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी संभल की, वही संभल जिसका हिंदू शास्त्रों में जिक्र है कि यहां भगवान विष्णु के अवतार कल्कि प्रकट होंगे, लेकिन आज वही संभल सुलग रहा है। संभल में आज पथराव हुआ, आगजनी हुई और तोड़फोड़ की गई। वजह थी संभल की जामा मस्जिद का सर्वे। हिंदू समुदाय संभल की शाही जामा मस्जिद को मंदिर बता रहा है। कोर्ट ने इसके सर्वे का ऑर्डर दिया है। एक सर्वे पहले हो चुका है और ये दूसरा सर्वे था, लेकिन सुबह सुबह जब सर्वे की टीम मस्जिद पहुंची तो अचानक हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जमकर उत्पात मचाया, कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। हिंदू शास्त्रों में इसकी जड़ें गहरी हैं। यहां भगवान विष्णु के एक अवतार कल्कि का भविष्य में प्राकट्य होना माना जाता है। ये कहा जाता है कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। संभल के दंगाइयों का हिसाब शुरू हो चुका है। संभल में हुई पत्थरबाजी और आगजनी का जो पूरा प्लानिंग है वो पहले ही किया गया है, और प्लानिंग का एक हिस्सा था पत्थरबाजी में। सबसे पहले दुकानों के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। सुबह करीब 8:30 बजे एक साथ हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। पहले वे कांटों में भर के पत्थर लाए थे, गाड़ी जलाने का सामान अपने साथ लाए थे, पेट्रोल डीजल की बोतल, सभी लोग नकाबपोश थे, सभी ने अपना मुंह ढका हुआ था ताकि किसी की भी पहचान न हो पाए। जामा मस्जिद के पीछे की गली जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई, वहां पर पत्थरबाजों ने सबसे पहले सीसीटीवी तोड़े और अभी भी सीसीटीवी कैमरा नाली में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, ये एक दिन का जो हालात बना हुआ है, ये एक दिन का नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी। संभल में हिंसा संयोग था या प्रयोग? क्या पहले से माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई थी? दंगाइयों के निशाने पर कौन था? सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के वकीलों ने क्या कहा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आप जान लीजिए। संभल के पत्थरबाजों पर पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। पत्थरबाजों की धरपकड़ भी शुरू हो चुकी है। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए दंगाइयों की पहचान कर रही है। एक एक पत्थरबाज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। संभल पुलिस ने 4 लोगों को घर से दबोचा है। इनसे थाने में पूछताछ हो रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि अचानक आखिर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कैसे जुट गई, पथराव करने के लिए किसने उकसाया, किसने ये पूरी प्लानिंग की, इस हिंसा के पीछे कौन कौन शामिल है, ये तमाम बातें पुलिस अब जांच रही है। इस समय संभल पुलिस एक एक इंसान को पकड़ के अपने साथ ले जा रही है। इनसे आप क्या तबाही मैंने न की? क्यों आपको ले जा रहे, कहाँ से लाए आप? अब घर से, घर पे तबाही में। आप यही रहते हैं? हाँ। नहीं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तेजीब। क्या करते हैं? गाड़ी पे चले हैं भाई। बाजी, आप क्या उस समय यहाँ नहीं थे? ना बाजी, मैं ना था। तो क्यों आपको ऐसे ले जा रही है पुलिस? क्योंकि मैं क्यों तबाही। एक और देखिए, 3 लोग हैं जिन्हें इस समय, 3-4, ये देखिए चौथा इंसान जिसे पुलिस यहाँ पे खदेड़ के लेके जा रही है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वही लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, ये गाड़ियों में आग लगाई और अब इन्हें एक एक करके घर से दबोचा जा रहा है, थाने की तरफ लेके जा रहा है। पीछे की ये सभी वो लोग हैं जो स्थानीय हैं और यहीं रहते थे। देखिए 4 लोग हैं, एक एक करके घर से दबोचा जा रहा है। जो फ्लैग मार्च किया गया, डीएम खुद इस फ्लैग मार्च में गए थे और लगातार अब ऐसे ही लोगों को यहां से चुन चुन के एक एक को पहचान करके लेके जाया जा रहा है। ये कह दिया गया है, ये साफ कह दिया गया है कि सख्त कार्रवाई होगी। देखिए अब इन 4 को यहाँ पे इसी गाड़ी में बैठाया जा रहा है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि ये उस आंजनी का हिस्सा नहीं थे। क्या नाम है आपका? याकूब। हम अपने घर पे थे, हमें वहाँ से ले संभल पुलिस यहाँ पे खदेड़ के घरों से निकाल के इन्हें धरपकड़ कर रही है। और हालांकि ये लोग मना कर रहे हैं कि ये
उस हिंसा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन एक एक को घर से निकाल के पुलिस लाई है। पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने ये कह दिया है कि जो इस हिंसा में शामिल था उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब यहाँ से देखे एक फ्लैग मार्च निकाला गया, घरों में जाके यहाँ पे लोगों को ले जाया जा रहा है। चार ऐसे लोग हैं जिन्हें इंडिया टीवी के कैमरे पे जो गाड़ी में ले जाया जाए दौड़ा के इन्हें यहाँ पे लाया गया है। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना नाम बताया, स्थानीय वो यहाँ के हैं ये बताया, और उन्होंने कहा कि वो इस पूरी जो हिंसा है उसका हिस्सा नहीं थे। मगर जो जांच है, जो शुरुआती इनपुट है, जो अभी फ्लैग मार्च किया जा रहा है, एक एक की पहचान की जा रही है, उसमें पुलिस को जो जानकारी मिली है उनमें इन लोगों का नाम है, और इसीलिए एक एक को अब थाने ले जाया जा रहा है, इनसे आगे पूछताछ होगी। तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे संभल में, क्या ये साजिश एक प्रयोग के तहत की गई है, क्योंकि जिस तरीके के हालात मौके पर नजर आ रहे हैं, सवाल ये कि पेट्रोल बम कहां से आए, इतने सारे पत्थर और हजारों लोगों की भीड़ जो नकाबपोश थी एक साथ वहां मौके पर कैसे पहुंच गए, क्या जानबूझकर किसी ने इन हालातों को बिगाड़ने की कोशिश की है। संभल बवाल की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पथराव करने वालों की भीड़ में से कई लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, लेकिन कई के चेहरे खुले भी थे, कई के छिपे भी थे। संभल में पत्थरबाजी में एसपी कृष्ण विश्नोई भी जख्मी हो गए। पथराव में सीओ और इंस्पेक्टर समेत दर्जनों पुलिस वालों को चोटें आई हैं। कम से कम 3 गाड़ियों में पुलिस वालों की आग लगा दी गई है, 4 मोटरसाइकिल जला दी गई, 3 कार ऐसी हैं पत्थरबाजी में जिनके शीशे टूट गए। पुलिस अब तमाम वहां के जो इलाके में सीसीटीवी लगे थे उन्हें खंगाल रही है और उन्हीं के जरिए इन उपद्रवियों की पहचान करके इनका हिसाब कर रही है। तो पुलिस अब तमाम सीसीटीवी की चेकिंग कर रही है और उन लोगों को अब घरों से निकाला जा रहा है जो इस हिंसा में शामिल हुए हैं। आप भीड़ में देखिए कई लोगों के चेहरे आपको रुमाल से बंधे हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन कई ऐसे हैं जिनके चेहरे खुले हुए हैं। और तस्वीर गौर से देखिए, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, महज जिनकी उम्र 12-13 साल रही होगी। इतने छोटे बच्चों का आखिर ब्रेन वॉश कौन कर रहा है जो इस पत्थरबाजी में शामिल हो रहे हैं। संभल में भीड़ पूरी तरह से उग्र थी, टारगेट पर थे पुलिस वाले। दंगाइयों ने मस्जिद के पास खड़ी कई गाड़ियों को फूंक दिया है। दंगाइयों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ गई है। मस्जिद का आज दूसरी बार सर्वे हुआ है, इससे पहले 19 नवंबर को भी सर्वे हुआ था। 19 नवंबर को ही कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने दोपहर 1:30 बजे सिविल कोर्ट में याचिका लगाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने 2.5 घंटे में ऑर्डर कर दिया। शाम 4 बजे आदेश आने के महज 2 घंटे के भीतर शाम 6:15 बजे सर्वे के लिए टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। 2 घंटे के सर्वे के बाद टीम रात करीब 7:45 बजे बाहर आई और आज फिर ये दूसरी बार सर्वे हुआ है। सुबह करीब 7:30 बजे सर्वे की टीम मस्जिद पहुंची। 1 घंटे तक एकदम सब कुछ माहौल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1 घंटे के बाद अचानक से सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और 8:30 बजे उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। टीवी आपको ठीक शाही जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा है, कैसे तीनों रास्तों को संभल पुलिस ने बंद कर दिया है। किसी को भी फिलहाल शाही जामा मस्जिद के बाहर या अंदर आने की अनुमति नहीं है। तीनों रास्तों को पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है। ये वही रास्ता है जहां पे आज सर्वे की टीम आई, जिसमें वादी पक्ष के वकील थे, सरकारी वकील थे। सुबह 7 बजे SDM और DM की मौजूदगी में यहाँ पे सर्वे की टीम पहुंची। इलाके के लोग इस बात से नाराज हो गए कि छुट्टी के दिन यानी रविवार के दिन सर्वे क्यों कराया जा रहा है, 1,000 की भीड़ अचानक से 1 घंटे बाद इन्हीं रास्तों में आ गए। ये देखिए, ये एक वो गली है जो जामा मस्जिद की तरफ आती है और अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल
पूरी तरीके से संभल पुलिस ने इस इलाके को कॉर्डर ऑफ किया हुआ है, बंद किया हुआ है, लेकिन जो भीड़ आई थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी। पत्थर जो है वो यहाँ पे भी गिरे हुए हैं। ये सबसे नज़दीकी एरिया है जो शाही जामा मस्जिद का, शाही जामा मस्जिद की दीवार आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ तक जो है वो पत्थरबाज पहुँच चुके थे जिन्होंने संभल के माहौल को बिगाड़ा। उनकी नाराज़गी थी कि आज के दिन क्यों जो है वो सर्वे किया जा रहा है। हालांकि संभल पुलिस ने अपनी तैनाती पहले से ही की हुई थी, पूरे इलाके को इस समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन 1000 लोगों की भीड़ जब यहाँ पे आई तो उन्होंने सबसे पहले जो पुलिस तैनात है उन पे पत्थरबाजी की, उन पे हमला किया, और ये अपनी आपत्ति जाहिर की कि आज सर्वे नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे यहाँ पे तोड़फोड़ हो रखी है, जो कुर्सियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, पत्थर आप देखिए कि जो लोग आए, जो पत्थरबाज आए, ये ईंटें हैं जो हालांकि घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर वो आगे आके थोड़ा दिखा सके कि कैसे संभल में आंजनी की गई, एक पूरी गाड़ी में आग लगा दी गई, जो यहाँ पे पुलिस बल तैनात था उस पे पत्थरबाजी की गई, बचाव में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और जो लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस तरीके की हरकत अगर कोई भी कर रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लाठी चार्ज करके यहां से पत्थरबाजों को खंदेड़ा गया। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, हम थोड़ा नज़दीक जाके आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पत्थर हैं ये अचानक से नहीं आए, 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे जो भीड़ है उसे इकट्ठा किया गया, साथ ही इन पत्थरों को भी बुलाया। देखिए अब ये वायर देखिए, ये यहाँ जो आसपास की चीज़ें हैं उसे भी नुकसान पहुँचाया गया, ये वायर भी यहाँ पे तोड़ दी गई है। अभी इस समय यहाँ पे जब एक गाड़ी मौजूद थी, एक बाइक मौजूद थी, इस बाइक पे आग लगाई गई, आंजनी की गई, और दोनों तरफ आप देखिए कि यहाँ पे भी पुलिस है और दूसरी तरफ भी पुलिस है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि हालात काबू करने में समय लगा। ऐसे में जो पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद थे उनको भी चोट आई, थोड़ी देर के लिए पुलिस ने भी एक स्टेप बैक लिया, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पुलिस बल है आसपास के थानों का उसे बुलाया गया। अभी भी देखिए इसमें जो है वो तपिश बाकी है। ये पूरी आप तार देखिए, यहाँ पे ये बाइक जलाई हुई है। हालांकि पुलिस ने भीड़ को समझाकर घर भेजने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मान रही थी। भीड़ को काबू में लाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल भी किया। उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप जरा भीड़ को देखिए। यहाँ पर भीड़ का सीधा निशाना पुलिस वाले थे और पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी की जा रही थी। हवाई फायरिंग पुलिस की ओर से भी की गई, यहाँ पर टियर गैस भी फायर की गई ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। भीड़ को पहले समझाकर घर भेजने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब उग्र भीड़ पुलिस वालों की जान लेने पर आमादा थी तो तब पुलिस वालों ने अपने बचाव में कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। उपद्रवियों को शांत करने के लिए संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने खुद पत्थरबाजों से अपील की। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने पत्थरबाजों से कहा कि वो नेताओं के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य ना बर्बाद करें। संभल की पुलिस लगातार भीड़ से शांत रहने और कानून अपने हाथ में ना लेने की अपील करती रही। सुनिए आप अपने नेताओं के शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो, कौन क्या कह रहा है, अरे क्या हो रहा है, शांत रहो साहब, शांत रहो साहब, हम तुम्हें समझा रहे हैं। पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल हैं जिनकी कार्स हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी, ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है, CCTV कैमरा से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संभल में आज जो कुछ हुआ
वो अचानक नहीं हुआ है, वो एक दिन की करामात नहीं है। पत्थरबाजी और आगजनी के पीछे पूरी के पूरी एक प्लानिंग प्लॉटिंग थी। आज सुबह जब 8:30 बजे एक साथ अचानक 1000 लोग इकट्ठे हुए तो अपने साथ ईंट पत्थर पेट्रोल बम लेकर पहुंचे। उपद्रवी अपने साथ गाड़ी जलाने का सामान जैसे कि बोतल में पेट्रोल डीजल भी लेकर आए थे। उपद्रवियों को यह पता था कि मस्जिद के पास सीसीटीवी कैमरे भी हैं जिससे उनकी पहचान हो सकती है और इसीलिए पहले ही एहतियात बरतते हुए उन्होंने अपने चेहरों को भी ढका था और कैमरों को भी तोड़ दिया। पत्थरबाजी करने आए उपद्रवियों ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो पाए। संभल में जो पत्थरबाज आए जिन्होंने हिंसा की, उन्होंने कैसे सबूत मिटाने की कोशिश की, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानों के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उन्हें निशाना बनाया गया ताकि पहचान ना हो पाए। नकाबपोश पत्थरबाज आए थे जिन्होंने ये आप सीसीटीवी कैमरा देखेंगे जो इस दुकान के बाहर लगा था, इसे तोड़ा, सबसे पहले इसे तोड़ा गया। हालांकि डीवीआर में कुछ रिकॉर्डिंग हुई होगी जिसको पुलिस प्रशासन आगे खंगालेगा और एक एक करके उन नकाबपोश पत्थरबाज को दबोचेगा जिन्होंने संभल में आगजनी की और माहौल बिगाड़ा। आप देखिए दो ऐसे कारतूस मैं आपको यहां पे दिखाऊंगी जो पुलिस ने जो पत्थरबाज हैं उन्हें हटाने के लिए यहां पे इस्तेमाल किए थे। 85 mm यानी 30 ग्राम के दो कारतूस आप यहां पे देख पाएंगे जो इस समय नीचे पड़े हुए हैं। जिंदा कारतूस ये थे जो पत्थरबाजों पे पुलिस ने इस्तेमाल किया। केवल ये एक ही सीसीटीवी कैमरा नहीं था, एक और सीसीटीवी कैमरा है आगे की दुकान पे जो तोड़ा गया ताकि सभी सबूत जो है वो मिट जाए। कौन आया, किसने पत्थरबाजी की, किसने इन को आग लगाई उनकी। संभल में सड़कों पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक उपद्रवियों ने प्री प्लान्ड तरीके से अटैक किया। पहले से ही ईंट पत्थर चप्पल सबके सब सड़क किनारे पहले से रख लिए गए थे और फिर पुलिस टीम को टारगेट किया गया। संभल में हिंसा करने वाले कौन लोग थे, एकदम से इतनी भीड़ कहां से आई, वो पत्थर कहां से आए, क्या पहले से तैयारी थी, ये एक सवाल बना हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पूरे हिंसा की घटना से सबक लिया है। जो अब मस्जिद के पीछे कुछ ईंटें रखी हुई थी उन्हें बुलडोजर के माध्यम से यहां से हटाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की हिंसा ना हो, इस प्रकार से जो ईंटें हैं उनको यहां से आगे ना ले जाया जाए। इसलिए यहां पे जो नगर पालिका है वो सचेत होते हुए एक तो सफाई कर रही है जो पुराने पत्थर थे जो गलियों में बिखरे हुए थे, दूसरा जो मकान बनाने के लिए यहाँ पे ईंटें आई थी उन्हें भी हटाया जा रहा है। देखिए इतनी सारी ईंटें थी, इतने सारे टूटे हुए पत्थर थे कि 3-4 ट्रॉलियां भर चुकी हैं और अभी भी सफाई की जा रही है। फिलहाल जेसीबी मंगाई गई है, जेसीबी के हेल्प से पूरा जो इलाका है वो साफ किया जा रहा है। एक प्रकार से संदेश भी है कि आगे इस तरीके की घटना ना हो, सबक भी है प्रशासन ने लिया। जो आसपास के सभी पत्थर हैं उन्हें एक साथ हटाया जा रहा है। अब देखिए कि कैसे पत्थरबाजी हुई थी कि जो पूरी गाड़ियां हैं वो यहां पे टूटी हुई हैं, जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं की ये गाड़ियां थी जो पार्क की गई थी, उन्हें कैसे यहां पे तोड़ा गया। और अब जेसीबी के माध्यम से जो ये घर बनाने के लिए ईंटें यहाँ पे थी क्योंकि इन्हीं ईंटों को तोड़ तोड़ के, पहले कट्टे में भर के ईंट लाया गया, उसके बाद इन्हीं ईंटों को तोड़ तोड़ के पुलिस के ऊपर ही बरसाया गया। अब एक साथ सफाई का काम चल रहा है। धीरे धीरे नगर निगम है वो यहाँ पे जेसीबी की मदद से सभी ईंटों को हटा रहे हैं। फिलहाल संभल में तनाव का माहौल बरकरार है, लेकिन ये तनाव हुआ क्यों, अब इसके बैकग्राउंड को आप जरा समझिएगा। दरअसल हिंदू पक्ष का ये दावा है कि संभल में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। 1529 में बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि यहीं पर कल की अवतार होना है। हिंदू पक्ष ने संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका लगाई, 95 पेज की एक याचिका लगाई गई है जिसमें हिंदू पक्ष ने दो किताब और एक रिपोर्ट को अपना आधार बनाया है। इसमें बाबरनामा, आईने अकबरी किताब और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक 150 साल पुरानी रिपोर्ट भी शामिल है। हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था जिसको लेकर आज संभल में जबरदस्त बवाल हो गया। वहीं हिंदू पक्ष का ये कहना है कि कुछ शहर के लोगों की मदद से बाहरी लोग यहां पर आए थे और उन्हीं बाहरी लोगों ने आकर उत्पात मचाया है। सारे लोग
1000 जो है वो लोग बताए जा रहे हैं, एकदम से कैसे इकट्ठा हो गए? क्या ये प्लानिंग थी, पत्थर इतने सारे टूटी हुई ईंट कट्टों में भर के? ऐसा लगता है कि ये पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे, ये लोग बाहरी लोग हैं और कुछ शहर के लोगों ने उन्हें मार्गदर्शन किया होगा। वो लोग यहाँ पर रुके हुए थे या आए हुए थे, इतने सारे पत्थर एकदम नहीं आ सकते कहीं। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए? ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एकत्रित किए हुए थे पत्थर, जिससे उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया। वहीं हिंदू पक्ष के उलट मुस्लिम पक्ष का अलग दावा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि यहां मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी, और यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि सर्वे में अभी तक मस्जिद से पहले मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला है। मीनारें, दीवारें और गुंबद तारीखी मस्जिद का सबूत हैं, और इसी के आधार पर मुस्लिम पक्ष कानून और पुख्ता सबूतों के लड़ाई लड़ने की बातें कर रहा है। कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहां पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है, यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। अब रह गई बात कोर्ट की प्रक्रिया की, तो वो जामा मस्जिद हमारी है, तो जामा मस्जिद की इमारतें और उसके दरो दीवार गुम्बद इस बात की शहादत देते हैं कि ये तारीखी मस्जिद है। हम कानून को कानून के जरिए, मजबूत सबूतों के जरिए, मजबूत दलीलों के जरिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यहाँ बाबर के जमाने से ये मंदिर यहीं पर है। संभल में मंदिर होने के हिंदू पक्ष के वकीलों ने 3 सबूत पेश किए। पहला, तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है, जिसके पेज नंबर 687 पर मंदिर को मस्जिद में बदलने का आदेश देने का जिक्र मिलता है। वहीं अबुल फजल की किताब आइन ए अकबरी के पेज नंबर 281 पर भी मंदिर होने का जिक्र है। एएसआई ने भी एक सर्वे किया था, 1874 से 76 के बीच एक सर्वे एएसआई की ओर से हुआ था। संभल शहर से संबंधित प्राचीन पुरावशेषों के बारे में तब के महानिदेशक मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में एक रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें वहां मंदिर होने का जिक्र किया गया है, और उसी को आधार बनाकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई है। मस्जिद नहीं है, संभल वो हरिहर मंदिर है, और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए यह दावा दायर किया है, जिसको तथाकथित रूप से मस्जिद के रूप में गलत अवैधानिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। कि चूंकि अवैधानिक रूप से वो लोग उसमें बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि सब मामले खुले और जो चोरी है वो खुले, इसलिए व्यवधान पैदा किया जा रहा है। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई जी। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक कमीशन की कार्रवाई हुई, और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा। अब आपको बताते हैं कि आखिर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति किस बात से है। दरअसल कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने 19 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे सिविल कोर्ट में एक याचिका लगाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने करीब 3 घंटे में ऑर्डर कर दिया कि मस्जिद का सर्वे होगा और वीडियो और फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट 7 दिन में दाखिल करनी होगी। इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए सर्वे का आदेश आखिर क्यों सुना दिया गया, क्योंकि सुनवाई के दौरान कोर्ट में मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था। मंगलवार को सर्वे का आदेश जारी हुआ और उसी दिन शाम को सर्वे करा दिया गया। और इतना ही नहीं, 19 नवंबर को सर्वे के बाद भी अब 24 नवंबर को एक बार फिर से रविवार होने के बावजूद सर्वे क्यों कराया गया? अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने उपचुनाव में पहले धांधली की और इस पर चर्चा ना हो इसके लिए संभल में सर्वे टीम को भेज दिया। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा ना हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा ना कर सके। और जो जानकारी मिल रही है,
उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष।